न्याय योजना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो नीति आयोग को भंग किया जाएगा। राहुल ने कहा कि नीति आयोग की जगह योजना आयोग को फिर से बहाल किया जाएगा। इसमें चुनिंदा अर्थशास्त्रियों और 100 से कम स्टाफ रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के पास पीएम के प्रचार के लिए झूठे आंकड़े देने के अलावा और कोई काम नहीं है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से न्याय योजना के ऐलान के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इस योजना के विरोध में बयान दिया था। राजीव कुमार ने कहा था कि अगर ऐसी कोई स्कीम लागू की जाएगी तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। राजीव कुमार के इस बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को नोटिस भेजा था, जिसका उन्हें जवाब देना है। टीम न्यूज़ नुक्कड़।